सुनाइए पाला। श्रीमान परम पूज्य दलाई लामा जी, मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप हमारे होने वाले नाट्य समारोह में शामिल होंगे। धन्यवाद, आपका प्रिया मां जनऊ। पाला, आप उनके लिए पत्र लिखिए, हम इसके बारे में जरूर सोचेंगे। जी बिंदे। इन लोगों का प्यार और स्नेह देखकर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं मजबूर हूँ, मैं अपने लोगों को छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं कुंदे, हमें और तिब्बत के सभी लोगों को लगता है कि आपका यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। शायद आप सब सही कहते हैं, यदि मैं नहीं गया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। फला, हमारे जाने का बंदोबस्त करो। जी कुंदे। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। रहिए, हमें लगता है हमें हमारा सोना और सभी कीमती चीजें साथ ले जानी चाहिए। आप सही कहते हैं मंत्री जी, हमें हमारे सभी कीमती चीजें साथ ले जाना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि हमारे लिए सबसे मूल्यवान चीज हमारा ज्ञान और ग्रंथ है, हमें वही साथ लेकर जाना चाहिए और कुछ भी नहीं। जैसी आप क्या कहते
हम आपको सिर्फ आश्वासन दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप सभी के बीच कोई चीनी भी हो, इसलिए आप हमारे बात का विश्वास कीजिए। आगे भाई अपन इधर चलो तो से पहला बैठ बैठ बताइए दलाई लामा कहाँ है? मैं फिर पूछता हूँ दलाई लामा कहाँ है? नहीं मालूम। अगर आपको नहीं मालूम तो इन मंत्रियों को जरूर मालूम होगा। बताइए दलाई लामा कहाँ है? मैं फिर पूछता हूँ दलाई लामा कहाँ है? मैं आखिर में पूछता हूँ दलाई लामा कहाँ है? उनके शरीर को तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया, उनके पैर
इस नाटक के माध्यम से इन्होंने चीन के द्वारा तिब्बत के लोगों पर किए गए दमन